एक बहुत बड़े विचारक, अमेरिका के बहुत बड़े थिंकर एंड अ मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर ने एक पुस्तक लिखा और इस पुस्तक में यही बात उन्होंने बड़े विश्वास से पूरे संशोधन के साथ बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने पेश की। और यह पुस्तक का शीर्षक उन्होंने लिखा एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मतलब जीवन में जो कुछ भी है वह आपके विचार और आपके अभिगम है। इस पुस्तक में जेफ केलर ने लिखा, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक एंड एस्पेशली द यंगस्टर्स हु आर इनटू फैमिली बिजनेसेस और देयर प्रोफेशनल्स, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जो कुछ भी है वो अभिगम है। इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक राइट, विचार आप सही प्रकार के करें। दूसरे विभाग में यह पुस्तक में यह लेखक लिखते हैं, योर वर्ड्स डिसाइड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, आपके जो शब्द हैं जो आप बोलते हैं वो आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व दोनों का निर्माण करता है। सो स्पीक वाइज। तीसरे विभाग में ये, मतलब अंतिम विभाग में ये पुस्तक में जेफ केलर लिखते हैं कि योर एक्शंस एक्चुअली प्रोड्यूस रिजल्ट्स, सो एक्ट पर्पसफुली, आप हेतु सबर वर्तन रखें। सो थिंक राइट, स्पीक वेल एंड यू एक्ट विथ पर्पस, ये अभिगम है आपका। और इस पुस्तक के सेमिनार्स जेफ केलर ने कहीं किए, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स, फॉर्च्यून 500 एग्जीक्यूटिव्स को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी। और इनको सुनने के बाद, यह पुस्तक पढ़ने के बाद, हर एक व्यक्ति को अंतर में एक प्रतीति आई कि जीवन में शायद हमें रिसोर्सेस कम या ज्यादा हो, लेकिन हमारे अगर विचार सही हैं, हमारे अभिगम अगर सही और ऊंचे हैं, तो उससे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी दिशा इससे मिलती है। एक अच्छा निर्णय जीवन में ले सकते हैं, इस प्रकार की एक ताकत यह संशोधन में है। अगेन, एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ, वेदर द रिसोर्सेज यू हैव आर लेस और मोर, इट काउंट्स लेस, व्हाट काउंट्स मोर इज द टाइप ऑफ एटीट्यूड दैट यू पजेस विद पीपल, with circumstances, with happenings, with work, counts more. इनकी गिनती ज्यादा होती है। तो अब हम सब यहां बैठे हैं, मैं आपको अगर यह प्रश्न पूछूं, how many of you want success in all walks of life? आप हाथ ऊंचा करें। यहां बैठे हैं आप सबको मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जीवन में हर तरह की सिद्धि चाहिए या नहीं? इफ येस देन रेज योर हैंड्स। सबको चाहिए, लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं, सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं। एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में समझना, कहीं प्रकार की प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है। मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेस दे कम टूगेदर टू ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस इज नॉट जस्ट अ गुड बिजनेस, सक्सेस इज नॉट जस्ट अ फ्यू रिलेशनशिप्स वेल सेट, सक्सेस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ गुड हेल्थ एंजॉयड। ये सब एक एक वर्टिकल्स है, वो प्रोग्रेस है, और कहीं प्रकार की ऐसी प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनता है। इस प्रकार का सक्सेस हमें चाहिए, दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ, जब आप 80-90 साल के हो, तब आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस आई लिव्ड माय लाइफ,
भगवान ने मुझे यह 70-80 साल का जीवन दिया था, 5-10 प्लस माइनस भगवान की कृपा से, लेकिन वो मैं जिया, आई लिव्ड इट। इस प्रकार का एक संतोष जीवन के अंत समय में आए, दैट इज योर लाइफ वेल लिव्ड। तो उसके लिए थोड़े विचार और थोड़े अभिगम, और उस विचार और उस अभिगम को बेस बना के, फाउंडेशन बना के, कुछ स्पष्ट प्रकार की वर्तणूक भी जीवन में चाहिए। रिमेंबर, सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम। मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा। वो कब छपता है? When you go from the base and you walk from the bottom। तो सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट स्टोरी, इट इज नेवर अ वन डे स्टोरी। तो ये विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है। आप कहीं लोग को देखते होंगे, कहीं को मिले भी होंगे कि बहुत चंद समय में, थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन इनके पीछे भी उनका पुरुषार्थ तो रहता है, कोई सही विचारधारा तो रहती है, कोई स्पष्ट प्रकार के वर्तन भी रहते हैं। तो उसमें एक प्रथम विचार यह है कि भगवान ने जो हमें यह मनुष्य दे दिया है उसकी कीमत बहुत बड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग बात है, एक स्थूल दृष्टि से आप देखें, अमेरिका में कहीं साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके अगर यह मनुष्य शरीर लेबोरेटरी में बनाना है, वो भी जीवित नहीं, हां मुर्दा, तो ये साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग करके ये बात बताई कि एक मुर्दा ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है तो इट विल कॉस्ट अबाउट $5 trillion, मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, $5 trillion, वो भी मुर्दा। आप उसके मुंह में आइसक्रीम रखो तो पानी नहीं निकलेगा, आप उसकी प्रशंसा करो तो वो हंसेगा नहीं, आप उसका अपमान करो तो वो मूर्छा नहीं जाएगा। अ डेड ह्यूमन बॉडी इज $5 trillion, तो एक बड़ी अमानत लेके हम बैठे हैं। इफ यू लिव फॉर 100 years, अगर आप 100 साल जिए तो ये $5 trillion की कीमत की जो मनुष्य दे आपके पास है, एवरी सेकेंड इज करोड़ ऑफ रुपीज। तो पहले यह सोच करनी है हमें दृढ़ कि एक बहुत अमूल्य चीज हमारे पास है, उसका सही उपयोग हमें करना है। आप एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हो, कोई सैमसंग का 9 प्लस ले लिया, i10 ले लिया, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, हाउ टू यूज दिस, हा या ना? तो ये मनुष्य जीवन इतना, मनुष्य शरीर इतना कीमती है, उसके साथ कुछ बुकलेट आनी चाहिए ना? वो है, हमारे महान ऋषि मुनियों ने और मॉडर्न डे थिंकर्स दोनों ने ये बातें की हैं, लेकिन हमने जीवन में सही तरह से स्वीकार करके, विचार करके जीवन में दृढ़ नहीं की। दिस इज अ प्राइसलेस ह्यूमन बॉडी, आई नीड टू यूज इट टू द ऑप्टिमम, ये एक विचार जीवन में दृढ़ होना चाहिए, तो कुछ आप कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे, एंड यू विल लीव अ सैटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल लाइफ। ये विचार एक आया मन में, उसके बाद प्रोग्रेस और सक्सेस की एक यात्रा चालू होती है। उसमें प्रथम बात यह है कि आप जीवन में कोई एक अच्छा संकल्प करें, यू डिटरमीन समथिंग इन लाइफ कि मुझे जीवन में ये 5-10-15 बातें करनी है।
मैं यहां आप सब बैठे हैं, आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने यहां ऐसे बैठे हो जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई समय पे हाथ में कलम लेके कागज पे कुछ 5-10 आइटम लिखी कि मुझे जीवन में यह करना है। हाथ ऊंचा करें फेथफुली। 15-20 हाथ भी ऊंचे नहीं है। तो क्या आप यह विचारधारा से जीते हैं कि चलो कल अगर उठे तो कुछ करेंगे? अगर कल भगवान की कृपा से आंख खुली तो कुछ करेंगे? तो बैठ के थोड़ा तैर करना पड़ता है। आपकी जो रस रुचि है, आपके विचार में जो एक सोच आती है कि मुझे जीवन में व्यवसाय की दृष्टि से, पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से, हमारे मित्र मंडल के कुछ प्रवृत्ति की दृष्टि से या समाज सेवा की कोई दृष्टि से मुझे इतनी इतनी बातें समाज में करनी है, ये एक विचार मन में दृढ़ होने तो चाहिए। और टेक अ पेन इन योर हैंड, इफ यू हैव नॉट डन टिल टुडे, व्हेन यू गो बैक होम टुनाइट, बिफोर यू गो टू स्लीप, टेक द पेन इन योर हैंड, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट समथिंग, कुछ लिखे कि मुझे ये कुछ करना है, और अच्छी तरह से चिपका देना जहां रोज बैठते हो, कुछ दृष्टि करते हो। तो रोज आपकी दृष्टि के सामने वो बात आएगी, विचार में से तो चली जाती है लेकिन अगर लिखा हुआ है तो कुछ सामने दिखेगा। देन दैट रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड कॉन्स्टेंटली इट रिमाइंड्स यू। कहीं युवा यहां बैठे हैं, अंडर 30 के बैठे हो, हाथ ऊंचा करें। कहीं पीछे भी बैठे। अमेरिका में एक लड़का था, उसकी उम्र थी उस वक्त जब 14-15 साल का वो होगा। एक बार उन्होंने सोचा, जॉन गोडार्ड ये बालक, कि लेट मी राइट डाउन माय ड्रीम्स एंड लेट मी राइट डाउन माय एम्स ऑफ लाइफ। बैठ के लिखने लगा, एवरेस्ट पे जाना है, नाइल नदी स्विम करनी है। ऐसे लिखते लिखते ही रोट डाउन अबाउट 57 गोल्स ऑफ लाइफ। फिर तो प्रयत्न किया, उनका जीवन चरित्र बहुत लंबा है। 60 साल की उम्र में एक बार वे फिर से, वो छोटी फर्जी थी वो, उसने खोली और टिक करने चालू किया कि मैंने कितने काम पूरे किए। एंड टू हिज सरप्राइज एंड टू द वर्ल्ड सरप्राइज, ही हैड कंप्लीटेड 55 ऑफ द 57 टास्क ऑफ हिज लाइफ। कर सकते हैं, कुछ लिख के कुछ तैर करना चाहिए। और फिर एक बार तैर किया, दैट बिकम्स योर लाइफ, दैट बिकम्स योर गोल।